हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मैथ फेयर्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एनवलप टॉपिक पे बात करने वाले हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स। सो अगर मैं कोई इक्वेशन लिखता हूं, द इक्वेशन ऑफ द टाइप एफ ऑफ एक्स वाई अल्फा दिस इज इक्वल टू जीरो, तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। यहां पे जो ये टर्म अल्फा है, दिस इज अ पैरामीटर एंड एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल, सपोज मुझे कर्व दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहां पे दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ अ सर्कल और वी कैन से फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो यहां पे जो ये वर्ड फैमिली आया है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू ए स्क्वायर, बिकॉज ए कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज तो अलग अलग वैल्यूज के लिए आपको अलग अलग सर्कल्स मिलेंगे, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं अ फैमिली ऑफ सर्कल्स। सिमिलरली अगर मुझे कर्व दिया है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम, दिस रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो यहां पे जो ये वैल्यू m है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द स्लोप ऑफ द लाइन और ये स्लोप अलग अलग वैल्यूज ले सकता है, तो उसके लिए मुझे बहुत सारी लाइंस मिलेंगी। तो वो सारी लाइंस को जब हम इकट्ठा करेंगे, एक साथ लेके आएंगे, देन इट इज नोन एज अ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। देन लेट अस मूव ऑन टू द एनवेलप। सो एनवेलप क्या होता है? इट इज द लोकस ऑफ द लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू कर्व्स of the family when one of them tends to coincide with the other curve। Which is kept fixed। So अब इसको find कैसे करते हैं? So for that let us write the working rule।
तो हमें कर्व दिया है एफ ऑफ एक्स वाई अल्फा इक्वल टू जीरो, देन मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालूंगा विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, तो मुझे मिलेगा 2f xy अल्फा विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, एंड आई इक्वेट दिस टू जीरो अगेन, क्योंकि एफ ऑफ एक्स वाई अल्फा जीरो था तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव भी जीरो होगा। अब इन दोनों कर्व में से हम लोग अल्फा को एलिमिनेट करेंगे, सो वी एलिमिनेट अल्फा फ्रॉम दीज टू इक्वेजन्स, देन जो हमें कर्व मिलेगा इट इज नोन एज एनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। लेट अस ट्राई सम एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन दिस। Find the envelope of the family of straight lines represented by y is equal to mx plus a by m, where m being a parameter so let us solve this problem so the given curve is y is equal to mx plus a by m let this be our equation 1 now differentiating one partially with respect to m. So we get now in the left hand side in y हमारे पास अल्फा की टर्म नहीं है तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा जीरो और राइट हैंड साइड में क्योंकि m की टर्म है यहां पे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा वन तो मुझे मिलेगा x और दूसरी टर्म में वन अपॉन एम है तो उसका डेरिवेटिव होता है माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर तो मुझे मिलेगा माइनस ए अपॉन एम स्क्वायर। अब इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे मिलेगा एम इज इक्वल टू रूट ओवर ए बाय एक्स। अब हमें एम की वैल्यू मिल चुकी है सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर टू और हमें ये इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। So substituting this value in equation 1, we get y is equal to square root of a by x times x plus a times square root of x by a. तो यहां पे मैंने रेसिप्रोकल लिख दिया है m का। सो अब इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे मिलेगा रूट ए एक्स प्लस अगेन मुझे मिलेगा रूट ए एक्स सो देयरफॉर वी कैन से y इज इक्वल टू ट्वाइस रूट ए एक्स सो देयरफॉर वी कैन राइट y स्क्वायर इज 4 times ax and this is the required envelope. So, ye problem mein humko curve diya hua tha y is equal to mx plus a by m aur humne yahan pe jo parameter tha which was m usko eliminate kar diya hai matlab us equation se humne m ko nikal diya hai with the help of partial derivative of the family of curves with respect to the parameter m. तो हमने दो equations solve किए और उसकी help से हमने parameter को eliminate कर दिया है. So this is the method for finding the envelopes of the given curves. Let us try another example. Find the envelope
of the family of curves a square upon x times cos alpha minus b square upon y times sin alpha. This is equal to k, where alpha is a parameter. तो ये इक्वेशन में हमारी एम क्या है? हमारी एम है अल्फा को एलिमिनेट करना. सो लेट अस सॉल्व दिस एग्जांपल. सो द गिवन कर्व इज a square by x cos alpha minus b square by y sin alpha. This is equal to k. Let this be equation number 1. So differentiating 1 partially with respect to alpha, we get a square by x as it is आ जाएगा, then cos alpha का डेरिवेटिव आ जाएगा minus sin alpha, minus b square by y as it is, sin alpha का डेरिवेटिव आपको मिलेगा cos alpha, and right hand side क्योंकि constant है so उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा. So let this be equation number 2. Now, squaring and adding, equations 1 and 2, we get, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है, sin square alpha plus cos square alpha is 1, so वो relation को हम लोग यहां use करेंगे, और equation 1 और 2 से alpha को eliminate कर देंगे. तो इससे मुझे मिलेगा a square by x cos alpha minus b square by y sin alpha, इसका whole square plus second equation है minus a square by x sin alpha minus b square by y cos alpha, and this is equal to k square. तो अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करके सॉल्व करते हैं. तो इससे मुझे मिलेगा a रेज टू 4 बाय x स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस b रेज टू 4 बाय y स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा माइनस ट्वाइस a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन xy sin अल्फा cos अल्फा. ये पहले ब्रैकेट का एक्सपेंशन. नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड ब्रैकेट. तो वहां से मुझे मिलेगा प्लस a रेज टू 4 बाय x स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस b रेज टू 4 बाय y स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा माइनस 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 प्लस एंड विल गेट ट्वाइस a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन xy sin अल्फा cos अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर. तो अब अगर ये इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करें सो दिस टर्म विल कैंसिल आउट और यहां पे मेरे पास कॉस अल्फा की टर्म है और यहां पे साइन स्क्वायर अल्फा की टर्म है. ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1. सिमिलरली यहां पे साइन स्क्वायर अल्फा की टर्म है यहां पे, तो यहां पे कॉस स्क्वायर अल्फा की टर्म है. तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो मुझे मिल जाएगा अगेन 1. So therefore the equation is a raised to 4 by x square plus b raised to 4 by y square, this is equal to k square, and which is the required envelope. So अब आप देख सकते हैं ये प्रॉब्लम में भी हमें कर्व दिया था a स्क्वायर बाय x कॉस अल्फा
माइनस बी स्क्वायर बाय वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू के, एंड अल्फा वॉज द पैरामीटर, तो हमने उसका पार्शियल डेरिवेटिव किया एंड देन हमने स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वन। तो वो करने से जो अल्फा की टर्म है दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द इक्वेशन एंड वी गेट दिस कर्व एज द एनवलप। सो दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो अगर आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस लाइक, और आप अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल की लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज दिस चैनल इज फॉर फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन। तो यहाँ पे आपको सब कुछ इजीली मिल जाएगा बेस्ड ऑन द सिलेबस, और इसकी हेल्प से आप अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर सकेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी एंड वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनवेलप के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।